दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत केस में एनसीबी की जांच में रिया इन दिनों सलाखों के पीछे है और लगातार यहां से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है, जमानत याचिकाएं दे रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि उसने अपनी लेटेस्ट जमानत याचिका में क्या क्या बातें कही हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले भोली भाली बनकर इंटरव्यूज में सुशांत से प्यार करने की बात कह रही थी। रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वो बिल्कुल निर्दोष है और एनसीबी जानबूझकर उस पर और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाता चला जा रहा है। उसने कहा है कि वो विच हंट का शिकार हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि विच हंट में संदिग्ध लोगों पर आरोप लगाया जाता है जिनके गुनाह साबित न हुए हों पर शक के आधार पर उन्हें आरोपी माना जाए। खासकर महिलाएं इसका शिकार होती हैं, जिसके कई उदाहरण भारत के पिछड़े वर्ग में देखने को मिलते हैं। तो इसी विच हंट की दुहाई देते हुए रिया ने अपनी बात रखी है, जबकि रिया का केस किसी भी एंगल से विच हंट में नहीं आता। रिया के कई आरोप साबित हो चुके हैं, इसलिए इस डायन का उन निर्दोष महिलाओं के साथ जो सच में इसका शिकार होती हैं उनके साथ अपना कंपैरिजन करना बनता ही नहीं। हाई कोर्ट में मंगलवार को दायर जमानत याचिका में रिया चुड़ैल ने कहा है कि वो सिर्फ 28 साल की है और एनसीबी की जांच के अलावा वो पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की 3 जांच और समांतर मीडिया ट्रायल का सामना भी कर रही है, जिससे उसकी मानसिक हालत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात और है कि इसने खुद सुशांत की मानसिक हालत क्या बना दी थी, उन्हें ड्रग देकर, मानसिक प्रताड़ना देकर। इतना ही नहीं, ये डायन अभी तक खुद को निर्दोष बताते हुए सारा इल्ज़ाम सुशांत पर डाल रही है। इसने अपनी जमानत याचिका में साफ साफ कहा है कि वो सुशांत के लिए ही ड्रग खरीदा करती थी और सुशांत के कहने पर ही, जोर देने पर ही कभी कभी बहुत कम मात्रा में इसका सेवन खुद भी करती थी, लेकिन सुशांत चला गया और अब ये फंस गई। जी हाँ दोस्तों, जो रिया कुछ दिन पहले तक मासूमियत के साथ टीवी इंटरव्यूज में कह रही थी कि उसे सुशांत से प्यार करने का कोई पछतावा नहीं, वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी, उसके प्यार के लिए जेल की सजा भी भोग लेगी, वही रिया अब सुशांत पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। सुशांत को कोस रही है कि आज वो सुशांत की वजह से ही जेल में सड़ रही है। आखिर इस डायन को कब एहसास होगा दोस्तों कि वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने कुकर्मों, अपने पापों की सजा काट रही है, और ये तो अभी शुरुआत है। हम सब सुनिश्चित करेंगे कि ये चुड़ैल कभी जेल से बाहर ना निकल पाए और इसे इसके किए की सजा ज़रूर मिले। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर इस पर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।